में कभी सोचते हो, काफी लोग आके कहते हैं दोहरे नाम लिए नहीं होते कि जी भजन नहीं बनता, भजन बना कब था, भजन को जाना कब था, भजन है क्या? अरे जिसकी समझ में आ गया वो तो उसका वर्णन कर ही नहीं सकता। मैं तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि क्या भजन है, मैं तो नहीं बता सकता आपको परमात्मा कैसा है। किसी ने बताया भी नहीं, समझाया भी नहीं कि ऐसा है परमात्मा। किसी ने आगे ये नहीं कहा कि मैंने देखा है, बड़े धर्म हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं। बताया तो सबने ये बताया कि अच्छे गुण और पवित्र हृदय में मिलता है। जिसको मिलता है वो बताएगा क्या वो निर्गुण है, रूप ही नहीं उसका, नाम ही नहीं है उसका, अनाम है। नाम तो इनके रखे गए जब ये प्रकट हुए, गुप्त थे जब, नाम था ही नहीं किसी का भी। इसलिए सच्ची करनी जो इंसान करता है उसको उसके घट में ही दर्शन हो जाते हैं, और जिसको दर्शन हो जाते हैं वो भी नहीं बता पाता कि मुझे कैसे मिला, क्या मिला, नहीं बता सकता। मेरे से तो सवाल किसी ने किया था, मैंने तो बता दिया मिला मुझे। मेरे से पूछा कि तुझे मिल गया, हाँ मुझे मिल गया। तुम देख लिया, हाँ वहां देख भी लिया। बोले हमें बता देगा, बता दूं कैसे मिला, मेरे गुरु के रूप में मिला, गुरु के रूप में मिला, सब कुछ दे दिया, सब कुछ दिखा दिया, जो दिखा दिया वो उनमें भी नहीं बताया और वो मैं भी नहीं बताऊंगा, गुप्त है, बताने वाली चीज नहीं है, नहीं बता देती हूं, बोलने की जीभ नहीं है उसको, उसके हाथ में कलम नहीं है लिखने की, लेकिन ये बात अलग है। मैं दिल तोड़ने वाली नहीं, मैं सच्चाई की ओर लेके जाता हूं कि अगर आप सच्चे दिल से करोगे ना आपको पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन वो हेरा फेरियों में, चालाकी में, चतुराई में नहीं है, वो ग्रंथों में नहीं लिखा गया कहीं भी। ये जो ग्रंथों की बात है ना, ये भी मैं कहता हूँ कि आदमी के दिमाग की उपज है, वो चीज़ तो ना कही जा सकती, ना बताई जा सकती, ना वर्णन की जा सकती। हाँ उनके थोड़े बहुत गुण हैं वो बता दिए गए, गुण बता सकते हैं कि ये गुण हैं। किसी भी काम में लगो, सच्चे बन के लगोगे ना तो तुम्हारी अपने आप जो शक्ति अंदर से प्रकट होगी, तुम्हारा काम जब सफलता की ओर जाएगा तो सोच लोगे आपको मिल गया। जिस रूप में देखोगे, जहां खोजोगे, जहां देखोगे वही मिलेगा आपको। विद्यार्थी को उसकी पढ़ाई में मिलेगा, किसान को उसके खेत में मिलेगा, कर्मचारी को उसके कर्म में मिलेगा, जो इंसान जो कर्म करता है उसी में उसको मिल जाएगा। संतों ने इसीलिए काम करते करते भी कह दिया कि हमें तो ये जरूरत नहीं, हम अपना काम करते हैं। उनको ये नहीं है कि सब कुछ त्याग के बैठ जाए, ना। उसकी लगन जिसको लग जाती है ना, उसको बताने की कहने की जरूरत नहीं। और उनके लिए जो नियम बता दिए, उन नियमों का पालन करते चले जाओ। आपको बता दिया दिल्ली जाना है, बामला आएगा, खरक आएगी, कलानोर आएगा, भादरगढ़ आएगा, दिल्ली आ जाएगी, आपको पहचान मिलेंगी रास्ते में, ये पहचान है। तो भक्ति की भी ये पहचान है। सच्चे बनो, सुरखुरु बनो, अच्छे गुण अपनाओ, बुराइयों को त्यागो, छड़ कपट बेईमानी छोड़ो, किसी का दिल ना दुखाओ, अपना कमा के खाओ, और फिर तुम्हारे बदलाव नहीं हुआ तो फिर मेरे पास आके बताओ भाई। अगर कोई कमी होगी फिर बता दूंगा कि इस कमी के कारण तेरा ये नहीं हुआ। भक्ति के रास्ते में छोटी सी अड़चन भी भक्ति के रास्ते से उसको भटका देती है। लेकिन ये मोटा मोटी बातें जो हैं ये बाधक हैं। इसलिए
धीरे धीरे करके एक दिन में नहीं हो सकता, एक दिन में नहीं हो सकता। इस चीज में कोई शक नहीं, आपके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं, बिना संस्कार के इंसान का चोला नहीं मिलता। और भी उत्तम संस्कार है, आपको गुरु मिला, बिना पूर्व अच्छे संस्कारों के गुरु नहीं मिलता। उससे भी अच्छे हैं कि आपको सत्संग मिला, नाम मिला। उच्च अधिकारी जीव थे किसी जन्म में, चाहे आप किसी योनि के रहे हो, चाहे आपको किसी संत के दर्शन हुए हो, कोई आशीर्वाद मिला हो, कोई नेक कर्म किया हो, उन नेक कर्मों के कारण ये इंसान का चोला मिला। इसलिए उत्तम जीव हो आप, इस सृष्टि के सबसे उत्तम जीव। और वो उत्तम जीव होने के बाद भी, और ऐसा अवसर जिसको मिला कि गुरु भी मिल जाए और नाम भी मिले, समय समय पर आपको चेताते जगाते और भ्रमों से निकालते रहे, भाग्यवान जीव उससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। और फिर भी चूकता है तो उसको कोई जगा भी नहीं सकता। मेरी संतान और बाढ़क अगर पूछोगे, दिए बैठे सारे ये बाढ़क संतान, उन में कैसे मारूंगा मैं, उरे बैठे सब न संभाल सकूंगा। लेकिन मूर्ख आदमियों की, कम बुद्धि वाले, उनकी सोच ऐसी होती है, वो न्यू बोलेंगे, अपनी भाषा है ये। बहुत बहुत सबको आज